मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रतिमा सिंह, QTFM 5.5 दिल में आपका स्वागत है। मैं आ गई हूँ आज के मुख्य समाचार लेकर के। महामारी में राज्यों के सहयोग से वैश्विक नेतृत्वकर्ता बना भारत, नीति आयोग की बैठक में बोले मोदी, सामूहिक प्रयासों से कोविड पर जीत। छल का भाजपा विधायकों व नेताओं का दर्द, बोले थाने में सुनवाई नहीं, वित्त मंत्री और गोरखपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना के सामने उठाया मामला। 25,000 लोगों को लगी बूस्टर डोज, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मेगा कैंप का किया गया आयोजन। श्रद्धालु जल अभिषेक कर महादेव को करेंगे प्रसन्न, सावन का अंतिम सोमवार आज। शिवालयों में दिन भर चलती रही तैयारियां, सड़कों पर नजर आया कांवड़ियों का हुजूम। गोरखपुर में तैयार होंगे ड्रोन पायलट, कौशल विकास मिशन के तहत किया जाएगा शॉर्ट टर्म कोर्स का संचालन। जुलूस निकाला फिजा में, गूंजी ढोल ताशों की आवाजें। मुहर्रम की आठवीं पर घरों, मस्जिदों और इमाम चौकों पर हुई फतीहा, दूसरे दिन भी मियां साहब के पुत्र आयान ने की इमाम बाड़ा में गश्त। 80 लाख करोड़ रुपए की बनाई जाएगी यूपी की अर्थव्यवस्था, मुख्यमंत्री योगी। नीति आयोग की बैठक में प्रदेश का डंका, सीएम ने रखी भविष्य की रूपरेखा। दिखा पंच का दम, स्वर के साथ भारतीय मुक्केबाजों की धूम। नीतू से लोग कहते थे मुक्केबाजी तो ताकतवर लोगों का खेल है, सागर को रजत। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, कल फिर लेकर के आऊंगी इसी समय मॉर्निंग में, तब तक के लिए नमस्कार।